हेलो फ्रेंड, इसमें सिक्स लेक्चर्स ए बी सी डी ई एंड एफ दिए गए हैं। प्रत्येक का 1 आवर का ड्यूरेशन है, जो 8 AM से 2 PM के बीच में शेड्यूल होते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और हमें इस क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन में थर्ड पीरियड का लेक्चर पूछा जा रहा है। इसलिए ये 6 पीरियड्स हो जाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें थर्ड पीरियड का लेक्चर फाइंड करना है। अब अगर ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अकेले स्टेटमेंट 1 से इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, तब यहाँ पर दिया गया है लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। दैट मीन्स लेक्चर एफ के पहले ए आता है एंड बाद में सी। इसलिए इन 3 लेक्चर्स को यहाँ पर किसी भी प्लेस पर पुट किया जा सकता है। यहाँ पर ये 3 लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे। पहले ए आएगा, उसके बाद एफ एंड उसके बाद सी। इसलिए अगर इन 3 लेक्चर्स को यहाँ पर प्लेस किया जाए, तब पीरियड 1 का लेक्चर ए हो जाएगा, पीरियड 2 का लेक्चर एफ एंड पीरियड 3 का लेक्चर सी। और अगर इन्हें यहाँ पर प्लेस करें, तब पीरियड 2 का लेक्चर ए हो जाएगा एंड पीरियड 3 का लेक्चर एफ, जो कि पहले वाली कंडीशन से सी हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए केवल स्टेटमेंट 1 से इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर अकेले स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, तब यहाँ पर बताया जा रहा है लेक्चर बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। दैट मीन्स लेक्चर बी लास्ट पीरियड के लेक्चर हैं। अब अगर स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट पीरियड के लेक्चर बी को पुट कर दें, तब केवल इस इंफॉर्मेशन से नहीं बताया जा सकता है कि पीरियड 3 का लेक्चर क्या होगा। इसलिए अकेले स्टेटमेंट से भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट्स को साथ लेते हैं। स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग बी यहीं पर रहेगा और ए एफ सी को यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से सेम सिचुएशन हो रही है। अगर ए एफ सी को ऐसे प्लेस करें, तब पीरियड 3 का लेक्चर सी हो जाएगा, और अगर ए एफ सी को ऐसे प्लेस करें, तब पीरियड 3 का लेक्चर एफ हो जाएगा, जबकि इससे पहले वाली कंडीशन में पीरियड 3 का लेक्चर सी हो रहा था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स को साथ लेकर भी इस क्वेश्चन का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन।